हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लाई हूँ ये आपके लिए बहुत ख़ास होने वाली है यदि आपके पास ब्रदर्स नीटिंग मशीन है। तो इसमें मैं आपको नेक की कटिंग बताऊँगी कि नेक को कैसे बनाते हैं कि जिसमें डिज़ाइन डिस्टर्ब ना हो, कि ये डिज़ाइन सेम टू सेम ऊपर तक कंटिन्यू हो जाए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हम राइट साइड का बनाएंगे। तो लेफ़्ट साइड की सुई सिलेक्टेड है ही ऑलरेडी मशीन द्वारा, तो हमको इधर क्या करना है, पहले तो हम कार्ड का नंबर नोट करेंगे कि जब इस साइड लाना है तो कार्ड किस नंबर पे था। तो जैसे मेरा कार्ड अभी इस समय 26 नंबर पे है, तो हम इसको कहीं लिख कर रख लेंगे, है ना। फिर उसके बाद क्या करेंगे फ्रेंड, जैसे अभी हमको राउंड नेक कटिंग करना है तो 6 6 4 2 1 2 2 के हिसाब से करेंगे कटिंग। तो हम यहाँ से 0 का तो रह गई 6, यहाँ से भी लेस करेंगे तो हम इसको छोड़ देंगे। और हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इनको छोड़ के जो सुई बाहर ऑलरेडी सिलेक्टेड है मशीन द्वारा उनको पूरी बाहर कर देंगे, पूरी बाहर कर देंगे। और जो मशीन जो सुई नीडल्स अंदर हैं उनको हम क्या करेंगे कि ये हमने अलग से एक वूल लिया है, वेस्ट वूल, उसमें हम उसको ऐसे बुन के और पीछे को कर देंगे खींच के पूरा लंबा, कि जिसमें उन पे बुनाई ना आए। ये देखिए इस तरह से पूरा पीछे, जिसमें आपको बता रहे हैं कौन सी सुई बाहर थी और कौन सी अंदर। तो ये देखिए इसको हम पूरी ए पोजीशन पे ले आएंगे। ये तो डी पोजीशन पे ले आए हैं, इनको ए पोजीशन पे ले आएंगे। तो इस तरह से हमको इनको लिखना नहीं पड़ेगा। अब हम क्या करेंगे, ये जो कैरिज का बटन है इसको हम बैक करेंगे जिसमें इनके ऊपर बुनाई नहीं आए। अब हम अपनी नीटिंग कंटिन्यू करेंगे। अभी हमको इस साइड, पहले इस साइड का गला बनाएंगे। ये देखिए तो यहाँ से हम 6 लेस करेंगे, 6 2 12 + 1, तो हम 13 फंदे यहाँ से कम करेंगे। आपको फिर बताती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह करके हमने इस साइड का पूरी वो बना लिया मुड्डा ऊपर तक, है ना। अब हम इसमें कंधा जोड़ देंगे, पीछे का पल्ला बना रखा है तो हम कंधा जोड़ेंगे, फिर आपको बताते हैं इस साइड कैसे करना है। हाँ तो फ्रेंड्स, अब मैंने इस साइड का कंप्लीट कर लिया है, राइट साइड का गला। अब मुझे इस साइड आना है और ये कार्ड का जो सिलेक्शन था इस हिसाब से मैंने जो नीडल्स करी थी उनको अब मुझे ठीक करना है। अब मुझे क्या करना है, जैसे अभी मुझे ये कैरिज, उस समय अपना कार्ड 26 पे था जब हमने इसको यहाँ से गला घटाया था जब, तो हमको क्या करना है, कार्ड को 26 पे ना लाके 4-5 लाइन पहले लाना है और कैरिज से ही उसको 26 पे करना है। तो हम क्या करेंगे, देखिए इस तरह से, ये जैसे अभी हम इसको 17 पे ले आए हैं, 18 पे ले आए हैं, और अब हम इसको कैरेज चला के ही 26 पे करेंगे।
25 या 26, तो इससे क्या होता है कि वो सिलेक्ट हो जाती है कैरिज में। अब ये जैसे पूरी नीडल्स हमारी जो अंदर हैं वो रेड थी और जो बाहर हैं, इससे हमको क्या करना है, अब हमको इसको सेट करना है। अंदर हमारा रेड कलर का धागा था, अब हम ये निकाल देंगे जो हमने वेस्ट धागे से वाइट कलर का किया है। ये अंदर की नीडल थी तो ये अंदर रहेंगी, अंदर वाली नीडल्स अंदर ही रहेंगी और बाहर वाली बाहर ही रहेंगी। अब हम ये निकाल देंगे जो हमने वेस्ट वूल से लंबे लंबे धागे किए थे, वो नीडल्स हमारी अंदर की थी और ये जो बाहर की थी वो बाहर ही रहेंगी। अब जैसे हमारा रेड वूल अंदर को था तो उसको हम अंदर ही रखेंगे। और वाइट वूल हमारा बाहर तरफ था मशीन में, वो बाहर ही रहेगा। बाकी सब सेटिंग तो वो ही रहेगी। अब हम इस साइड कंटिन्यू करेंगे उसको। देखो फ्रेंड्स, अब ये हमने रो काउंटर भी उस समय हमारा कौन से नंबर पे था, 76 पे था, तो ये रीडिंग भी हम 76 पे कर लेंगे। ये अब हम इसको कंटिन्यू करेंगे। ये हमने 6 तो यहाँ से कर दिया था गले का, अब हमको 4 लेस करना है, 4 घटाना है यहाँ से। अब ये डिज़ाइन हमारी वही कंटिन्यू होके जा रही है, 4। अब 2, यहाँ हमको 18 फंदे बचाना है, तो तब तक हम इसको घटाते जाएंगे। ये अब हमारे अब 18 बचे हैं। अब हमको जितनी लाइन बुनना हो कंटिन्यू करते जाएंगे इसी को। अब 2 लाइन प्लेन बना लेंगे, प्लेन पे सेट करके।
और ये हमारा पल्ला तैयार है। मैं बताती हूँ अभी आपको, देखिए फ्रेंड्स, बिना डिज़ाइन डिस्टर्ब हुए अब हमारा ये दोनों साइड का नेक रेडी है। ये देखिए, ए साइड और बी साइड दोनों पार्ट हमारे बिल्कुल डिज़ाइन से डिज़ाइन मिल गई। ये देखिए, आपको मेरा ये आइडिया कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, क्योंकि जिस चीज़ से मैं बहुत परेशान थी और मैं नहीं बना पा रही थी, वो ट्रिक मैंने यूज़ की तो मैंने आपको भी शेयर की। कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।